आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जैसे कि अपने फ्रेंड का मोबाइल गायब हो गया या आपकी मोबाइल जैसे गुम हो गया या चोरी हो गया, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपना मोबाइल कैसे ढूंढ सकते हो, यानी अगर मोबाइल हमारा गिर जाए या गायब हो जाए या दूसरे के हाथ लग जाए। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि अपना गायब हुआ मोबाइल आप कैसे ढूंढ सकते हो काफ़ी आसान तरीके से, ठीक है। कहीं पर देखिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, कहीं पर कम पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। और मैं आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि एप्लीकेशन से आप कैसे मतलब अपना मोबाइल ढूंढ सकते हो, एप्लीकेशन से अपना मोबाइल आप ढूंढ सकते हो काफ़ी आसान तरीके। थोड़ा सा आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ा अजीब लग रही होगी, थोड़ा कम क्वालिटी की लग रही है, ठीक है। तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको प्रेस कर लीजिए, एक बढ़िया सा कमेंट कर दिए, बढ़िया सा लाइक कर दिए। चलिए तो यार यहाँ पे मैं फुल सपोर्ट आप लोगों का करूँगा कि अपना खोया हुआ मोबाइल कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उस एप्लीकेशन का आपको मैं नाम बताऊँगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ पर आपको सर्च करना है। देखिए जो एप्लीकेशन का नाम है जो कि सर्च फॉर रूल्स आपको सेलेक्ट कर लेना है, वहाँ प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये अलार्म हमारे में लोगो आपको देखने को मिल जा रहा होगा, यही एप्लीकेशन, इसी से अपना मोबाइल ढूंढ सकते हो। मैं अपनी एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ मेरा नेट नहीं खुला हुआ है, तो यहाँ पर आपको जैसा जैसा आपको यहाँ पर जो मांगे वो आप दे सकते हो। यहाँ से दे दीजिए अपना जैसे कि ईमेल आईडी, पासपोर्ट, और इससे इसके बाद आपको ऐसे लॉगिन कर देना, ठीक है। या ऑटोमेटिकली आपको 6 दिन या 7 दिन के बाद आपको मतलब 6-7 दिन के खातिर आपको रुपया ये मांगेगा, ठीक है। जो 100, 200, 400, 500, 1000 जितने पैसे मांगे आप उसको दे दीजिए, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट से। ये आपका फ़ोन बता देगा, आपको ईमेल नंबर डालना है मोबाइल का, पूरी डिटेल मोबाइल की इसमें डाल देनी, उसके बाद आपको मोबाइल ये ढूंढ के बता देगा लोकेशन की तरफ से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा।